पिछली क्लास में नाइन्थ पोयम में हमने पढ़ा था कि जो पोएट है वो समय को अपना शत्रु मानते हैं और उससे कहते हैं कि तुम शत्रु हो क्योंकि ये जो समय चल रहा है इसमें प्रत्येक व्यक्ति बुराई से ग्रसित है, उसके जीवन में शांति नहीं है। तो उस समय से वो कहता है कि तुम अब हमारे शत्रु बन चुके हो, तो तुम इस जगह से चले जाओ और अपने साथ में जितनी भी बुराइयाँ हैं उनको लेकर चले जाओ, उन बुराइयों को तुम दफना दो ताकि लोगों के पास में अच्छा समय हो और वो अब अच्छी ज़िंदगी जिए। यहाँ तक हमने पढ़ा और पोएट कहते हैं कि मनुष्य के पास में अब ना तो ज़्यादा कुछ खोने के लिए बचा है ना ही ज़्यादा कुछ उसके पास प्राप्त करने के लिए बचा है, तो अच्छा यही होगा कि तुम समय उड़ जाओ और इस प्रकार से उड़ो कि तुम धरती की रेस से बाहर चले जाओ। अब आगे पोएट और क्या कहना चाहते हैं वो हम पढ़ते हैं कि जब बुरा समय इस धरती पे से चला जाएगा तो इस धरती पर कौन कौन से गुण विद्यमान हो जाएंगे, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। एंड जॉय शैल अंडरटेक अस एज अ फ्लूड, कि पोएट कहते हैं कि जब समय सारी बुराइयों को दफना कर यहाँ से चला जाएगा तब जॉय शैल अंडरटेक अस एज अ फ्लूड, तो जो खुशी है जो प्रसन्नता है उसकी बाढ़ आ जाएगी इस धरती पर। वेन एवरीथिंग, जब सब कुछ दैट इज सिंसियरली गुड, कि जब इस धरती पर प्रसन्नता की बाढ़ आ जाएगी तब सब कुछ बहुत ही शांति से बहुत ही शालीनता से अच्छा हो जाएगा, यानी कि जब लोगों के अंदर खुशी का संचार होगा तो लोग सिंसियर बन जाएंगे, लोग शांत चित्त बन जाएंगे और बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए अच्छे साबित होंगे। एंड परफेक्टली डिवाइन, और एक ईश्वर की तरह वो बिल्कुल पवित्र बन जाएंगे, यानी कि जब इस समय से बुराइयाँ चली जाएगी तो लोगों के अंदर प्रसन्नता आएगी और प्रसन्नता के साथ लोग एक ईश्वर की भांति चमकने लग जाएंगे, ईश्वर की भांति वो बिल्कुल डिवाइन हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। विद ट्रुथ, और उनके अंदर कौन कौन से गुण आ जाएंगे जब बुराई चली जाएगी, विद ट्रुथ मनुष्यों के अंदर सच्चाई आ जाएगी, एंड पीस मनुष्यों के अंदर संतुष्टि की भावना आ जाएगी, वो शांत रहने लग जाएंगे, एंड लव और एक दूसरे के प्रति स्नेह का भाव रखेंगे, शैल एवर शाइन, और ये तीनों जो तत्व हैं चारों तरफ चमकते हुए दिखाई देंगे। अबाउट द सुप्रीम थ्रोन ऑफ हिम, अबाउट द सुप्रीम थ्रोन ऑफ हिम, सुप्रीम थ्रोन ऑफ हिम ये दिखलाता है ईश्वर को, यानी कि ये जो पूरा जो सेंटेंस है सुप्रीम थ्रोन ऑफ हिम वो ईश्वर को संबोधित करते हुए कह रहा है कि जब मनुष्य के अंदर सच्चाई आ जाएगी, मनुष्य के अंदर शांति आ जाएगी, मनुष्य एक दूसरे के प्रति स्नेह का भाव रखेगा तो चारों तरफ हर जगह चमत्कार दिखाई देगा, हर लोग चमकते हुए दिखाई देंगे और जो ईश्वर है जो सुप्रीम थ्रोन है जो सबसे उच्च सत्ता है वो भी चमकता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि हम मनुष्य अच्छा रहेगा तो मनुष्य को जन्म देने वाला व्यक्ति अपने आप चमकने लग जाएगा। टू हूज हैप्पी मेकिंग साइट अलोन, टू हूज हैप्पी मेकिंग साइट, और यह जो पूरा दृश्य होगा यानी जब सच्चाई शांति स्नेह चमकेगा ये जो पूरा दृश्य होगा हूज मेकिंग हैप्पी, तो वो ईश्वर को भी खुशी प्रदान करेगा, जब हम खुश रहेंगे तो यह पूरा दृश्य ईश्वर को भी खुशी प्रदान करेगा। When once our heavenly guided soul, जब हमारी आत्मा स्वर्ग से गाइड की जाएगी, जब हमारी आत्मा को स्वर्ग से ज्ञान प्राप्त होगा, soul shall climb, तो हम उछलने लग जाएंगे, हम स्वर्ग की तरफ जाने लग जाएंगे, यानी जब हमारे कर्मों से ईश्वर प्रसन्न होगा तो ईश्वर हमें ज्ञान देगा और उस ज्ञान की प्राप्ति से हम स्वर्ग की तरफ जाने लग जाएंगे, हम ईश्वर को पसंदीदा हो जाएंगे। Then all this earthly grossness quite quit. Then all this earthly grossness, इस धरती पर जितनी भी बुराइयाँ हैं quit, हम उसे छोड़ देंगे, हम अच्छाई के मार्ग पर चलने लग जाएंगे। Attired with stars, हम सितारों का पहनावा पहनने लग जाएंगे, यानी हमारी गिनती सितारों में होने लग जाएगी, हर कोई हमें देखना चाहेगा, हम आसमान में एक तारे की भांति चमकेंगे, भीड़ के अंदर हम एक अलग व्यक्तित्व के रूप में निखरेंगे, जब हम ईश्वर के पसंदीदा हो जाएंगे, जब ईश्वर हमारे आत्मा को गाइड करेगा, जब हम सुख शांति और सच्चाई से रहेंगे और बुरे समय से अपना पीछा छुड़ा लेंगे, तब हमें एक सितारे की तरह लोग देखेंगे। We shall forever sit, हम एक सितारे की भांति रहेंगे और हमेशा ईश्वर के प्रिय रहेंगे। Trampling over death, तब हम मृत्यु पर विजय प्राप्त
दूसरे व्यक्ति से प्रेम से रहेंगे तब जो ऊपर बैठी हुई जो शासक सत्ता है हम उसके प्रिय हो जाएंगे, ऊपर से वो हमें ज्ञान देगा, हम स्वर्ग की तरफ जाएंगे, सितारे की तरह हम चमकेंगे और तब ऐसी स्थिति में हम इस धरती की मोह माया से दूर हो जाएंगे, ट्रम्पलिंग ओवर डेथ, हम जो मृत्यु है हम उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे, चांस हमें मौका मिल जाएगा द ऑन टाइम, समय को जीत पाने का, समय से भी आगे निकल जाने का, यानी जब हमें अच्छे गुण होंगे, जब हम समय के पाबंद होंगे तो कभी भी समय हमें पीछे नहीं छोड़ पाएगा, बल्कि हम समय के साथ रहेंगे और समय के साथ आगे बढ़ते जाएंगे और ऐसे कर्म करेंगे कि मृत्यु के पश्चात हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ईश्वर हमें याद करेगा और हम भीड़ के अंदर एक सितारे की भांति चमकेंगे। तो इस लेसन के अंदर जो पोएट है वो समय के माध्यम से हमें यही शिक्षा देना चाहता है कि अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है, हमें भीड़ के अंदर अपने आप को अलग दर्शाना है तो हमें अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करना होगा और सच्चाई के साथ इस धरती पर रहना होगा और एक अपना अलग मुकाम हासिल करना होगा। अब हम अगले क्लास में इसकी जो अगली पोएम है हम वो पढ़ेंगे। बस एक क्लास हो गया वो कंपल्सरी का ये चीज़ है।